हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कौसन अजी। सो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली, जहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि आप एक नॉर्मल सीडी से इस तरह का आर्ट पीस कैसे बना सकते हैं। फॉर दिस आर्ट पीस यू विल नीड डीवीडी, सीडी एंड टेप, पेंसिल, मार्कर वो लीजिए जो भी आपके पास अवेलेबल है। मैं मार्कर इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल वाला काम कर रही हूँ। देन यू विल नीड ब्रशेस, ऑफकोर्स पेंट करने के लिए कलर्स चाहिए होंगे। यहाँ पर आप किसी भी ब्रांड का एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर फेविक्रिल का यूज़ कर रही हूँ। उसके साथ आपको एक पीस ऑफ पेपर चाहिए होगा ताकि स्केच कर सकूँ। सो इंटरनेट पर मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे जो कि पेंटिंग ऑन अ ग्लास थे, लेकिन मुझे इसे अफोर्डेबल बनाना था और चीप भी बनाना था, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसी चीज़ का यूज़ किया जाए जो हमारे घर में ईजीली अवेलेबल होती है। सो मैं यहाँ पर इसीलिए सीडी का यूज़ कर रही हूँ और आप इससे मल्टीपल आर्ट पीस बना सकते हैं। सो फर्स्ट थिंग यू विल नीड टू डू इज़ कि आप इस पर स्क्रैच कीजिए। स्क्रैच उस साइड से करना चाहिए जहाँ पर नेम लिखा होता है। देन आपको बस आपका टेप लेना है, उस पर चिपकाना है और उसे पुल करना है। आपको यही प्रोसेस तब तक करना है जब तक पूरी सीडी आपकी क्लीन नहीं हो जाती। यहाँ पर मैंने दूसरी जो ब्राउन टेप होती है उसका भी यूज़ किया है, पर ब्राउन टेप के साथ जो मुझे प्रॉब्लम ये आया है कि ये अच्छे से क्लीन नहीं करता, थोड़े बहुत चंक्स इसमें रह जाते हैं। वेल, सीडी के ऊपर पेंट करने का एक ये भी फ़ायदा है कि अगर आपके हाथ से ये गलती से गिर भी जाए तो आपका कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही आपको इससे कोई चोट लग सकती है। ये सीडी अच्छे से क्लीन नहीं हुई है, सो आई एम गोइंग टू यूज़ अनदर वन और मैं उस पर ट्राई करूँगी कि उस पर कैसे अच्छे से बनता है या नहीं। और वैसे भी यहाँ पर मैं इसी टाइप का यूज़ करूँगी, ब्राउन टाइप का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने वाली हूँ। लेट सी कि इससे कितना अच्छे से क्लीन हो पाता है। सो इसी प्रोसेस को मैं कंटिन्यू करते जाऊंगी और इस सीडी को मैं पूरा अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये सीडी टेप से क्लीन होने के बाद भी मैं इसको अच्छे से वॉश कर लूँगी ताकि इसके ऊपर कोई भी स्टिकीनेस नहीं रहे और हम अच्छे से इसके ऊपर पेंट कर पाए। सो क्लीनिंग के बाद सीडी कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे, थोड़े बहुत चंक्स अभी भी बाकी है बट वो इतने दिखाई नहीं देंगे। अब बारी है ड्रॉ करने की, तो मैंने पेपर के ऊपर इसको प्लेस कर दिया है। देन आई एम गोइंग टू यूज़ पेंसिल और मैं इससे अच्छे से आउटलाइन कर लूँगी पूरी सीडी की, ताकि मेरे पास एक अच्छा स्पेस रहे और मुझे एक आइडिया भी आए कि मुझे कितनी जगह में ड्राइंग करनी है। सो यहाँ पर मैं बनाने वाली हूँ लिटिल मरमेड, जो कि हर किसी ने अपने बचपन में, चाइल्डहुड में ये कार्टून ज़रूर देखा होगा। ये इस तरह से रेडी होके तैयार हो गया है, मीन्स रेडी और तैयार तो एक ही बात होती है। अब मैं इसे वापस से रखूँगी और यहाँ पर जो एक एडिशनल स्टेप है वो है कि आप इसे टेप से सिक्योर कर दीजिए ताकि आप जब भी इसके ऊपर आउटलाइन करोगे तो सीडी हिलनी नहीं चाहिए, वरना आपकी जो ड्राइंग है वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएगी। सो मैं पूरी अच्छे से आउटलाइन कर लूँगी। आउटलाइन करने के बाद मैं इसमें एक और एडिशनल स्टेप करने वाली हूँ कि मैं आउटलाइन को डबल से रिपीट करने वाली हूँ ताकि ये अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाए और क्लियरली दिखाई दे। सो यहाँ पर हमारी पेंटिंग स्टार्ट हो चुकी है। मैं सबसे पहले हाईलाइटिंग कर रही हूँ। जैसा कि आपने जितने भी ग्लास वीडियोज़ है उसमें देखा होगा कि आपको रिवर्स प्रोसेस करना होता है जो भी आप ट्रेडिशनल पेंटिंग करते हैं उसमें। सो यहाँ पर हाईलाइट सबसे पहले करनी है, उसके बाद आपने शेडोज़ ऐड करनी है, उसके बाद यहाँ पर आता है हमारा बेस या फिर मिड टोन कलर। हमारी लिटिल मरमेड के हेयर होने के बाद अब बारी है उसकी बॉडी की। यहाँ पर मैं लिटिल बिट येलो, ग्रीन, वाइट को मिक्स करके मैंने ये टोन बनाया है। जैसे इमेज मेरे पास रेफरेंस की थी मैंने उन्हीं कलर का यूज़ किया है। नाउ आई एम जस्ट एडिंग द स्किन कलर। तो यहाँ पर मैंने डार्क कलर लिया है जो शेडोज़ के लिए है, उसके बाद यहाँ पर मिड टोन कलर किया क्योंकि इसमें स्किन टोन के ऊपर कोई भी हाईलाइटिंग नहीं थी। यहाँ पर एक चीज़ है कि ये थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिख रहा है, मतलब लाइट में ये थोड़ा अजीब सा दिख रहा है। सो नाउ आई एम गोइंग टू कवर इट विद कलर। तो यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर लिया है और इसकी पूरी बॉडी को मैं अच्छे से कवर कर लूँगी। मेक श्योर कि आपकी जितनी आउटलाइन है उस तक ही आप जाए, अगर आप उसको क्रॉस करते हैं तो वो ख़राब दिखेगा आगे से। सो इस तरह से हमारी मरमेड रेडी होती है। मैं सोच रही हूँ उसको यहाँ रखूँ या फिर इधर रखूँ, सो उसको देख ही लूँगी कि मैं इसको कहाँ रखने वाली हूँ। वैसे ये काफ़ी अच्छी लग रही है और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है, इससे पहले मैंने इसे कभी भी ट्राई नहीं किया।
सो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, ये आइडिया कैसा लगा है, क्या आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं मुझे वो भी बताइए, और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।